जय हिंद दोस्तों रेवोल्यूशनरी टैक् एक्टिविटीज़ इन साइड इंडिया एज वेल एज आउटसाइड इंडिया के चैप्टर्स दो जो थे वो हमने लास्ट डिस्कस कर लिए थे आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पार्टीशन ऑफ़ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट देखिए ये जो पूरा क्वेश्चन इसमें अराउंड तीस के आसपास क्वेश्चन है ये जो सारे क्वेश्चन रहेंगे इनका टोन ऑलमोस्ट सिमिलर है तो आप ध्यान दीजिएगा कि कुछ पर्टिकुलर फैक्ट्स आप याद रखिए इसमें से आपके ये थर्टी क्वेश्चन आप डील कर लेंगे आराम से बिकॉज ये पूरा चैप्टर ही पार्टीशन ऑफ बंगाल पर तो क्या उसका रीज़न रहा कौन उस टाइम पे वाइस रहे था Uh, कौन कौन से uh, जो एरियाज हैं वो डिवाइड हुए उसके बाद जब रीऑर्गेनाइज हुए तो कौन से एरियाज़ बने तो इन कुछ फोकस पॉइंट्स पे आप याद रखिएगा सिर्फ दस हार्डली दस पॉइंट्स निकलेंगे जिसके बेसिस पे आप ये पूरा चैप्टर आप डील कर सकते हैं सो so, ध्यान से सुनिएगा की वर्ड्स ध्यान दीजिएगा एंड साथ ही साथ uh, देखिए एक चीज़ और होती है मैं हमेशा ही बोल रही हूँ कि रिविज़न इज़ द की ठीक है तो आप uh, क्या होता है ना जब हम वी लिसन टू समथिंग इफ़ वी लिसन टू समथिंग कान में आप सिर्फ अपना एक ईयरफोन लगाइए नॉर्मली भी आप सुन रहे हो जैसे भी वॉट एवर यू लाइक तो आपकी वो रिमेम्बरेंस आपके मेमोरी में घुस जाती है ये एक तरीका होता है कुछ लोग को वो नहीं आता है वो अपना याद करके नॉर्मली अपना पढ़ के ले सकते हैं तो जो भी आपको तरीका अच्छा लग रहा है आप देखिए आप कीजिए उसको बट एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा रिविज़न नहीं छोड़ना है मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि रिवाइज़ करते रहिए बिकॉज़ रिविज़न इज़ द की फॉर एनी आप कुछ भी कितना भी पढ़ेंगे लेकिन अगर आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे देन देर आर 99% चांसेस कि आप उसको लूज कर जाएंगे उन फैक्ट्स को लूज़ कर जाएंगे और ये जो घटना चक्र की पी वाई क्यूज हैं दे आर मेयरली फैक्ट्स ठीक है यहाँ हम फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं मेंस के लिए पर्सपेक्टिव अलग होता है यहाँ हम प्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर हम फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं तो उसको आपको ध्यान में रखना है एक क्रोनोलॉजी बनानी है ये जो पूरे चैप्टर्स हैं क्रोनोलॉजी से ही हैं वो क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी होती है वो फैक्ट्स आपको याद रखने होते हैं और उन फैक्ट्स को रटना पॉसिबल uh, नहीं होता बिकॉज आप एक सात uh, पेजेस की बुक आप पढ़ रहे हैं अभी हिस्ट्री की उसके अलावा भी आपके पास बहुत सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए तो वॉट यू हैव टू डू इज़ कि आप उसको क्रोनोलॉजी को आप उसको uh, कैसे याद कर सकते हैं या तो आप सुन के कंटीन्यूसली एक बार आप उसको ध्यान से देखिए इस वीडियो को उसके बाद आप कंटीन्यूसली इसको चार पांच बार एक एक दो दो दिन के गैप पे सुन सकते हैं सुनने से आपका जो मेमोरी है वो मतलब आपका साथ देने लगेगी टू कीप इट्स रिमेम्बरेंस इन योर यू नो इन हेड तो वो एक तरीका है एंड इवन इफ यू डोंट लाइक दैट रीडिंग इट अगेन एंड अगेन सॉरी लिसनिंग इट अगेन एंड अगेन आप उसके नोट्स बना लीजिए वो पढ़ लीजिए जो भी है बस आपका अल्टीमेट गोल आपको ये रखना है कि मुझे एग्जाम निकालना है ये एक तरीका मैंने इसलिए बताया बिकॉज दिस इज़ अन ईजी वे आउट टू रिमेंबर थिंग्स कोई आपके लिए पढ़ के दे रहा है आपको सिर्फ उसको सुनना है आप कुछ काम कर रहे हैं आप करते करते इसको सुन लीजिए पहली बार इस वीडियो को नॉर्मल उस पर सुनिए उसके बाद आप इसको 1.5 पॉइंट फाइव करके भी सुन सकते हैं मैं कोई बहुत फास्ट पेस पे नहीं जाती हूँ तो बहुत 1.5 पॉइंट पे भी आपको इजी रहेगा सुनने में तो दिस इज ऑन योर यू नो कन्वीनबिलिटी कि आप जैसे करना चाहें बट अल्टीमेटली हर चैप्टर में कुछ एक पर्टिकुलर फैक्ट्स होते हैं जिनके आसपास ये पूरी स्टोरी रहती है जैसे कि इस चैप्टर में भी आप मोर देन टेन और एलेवन फैक्ट्स आपके पास नहीं होंगे हाथ जिस में जिसमें आप तीस क्वेश्चन डील कर लेंगे सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ़ टुडे इज़ विच ऑफ़ द फॉलोइंग अकर्ड लास्ट इनमें से सबसे आखिरी में जो इवेंट हुआ वो कौन सा हुआ तो इनमें से देखिए एनेक्सेशन पॉलिसी ये लाया था डलहौजी दिस इज डॉक्टर ऑफ लैब्स पॉलिसी जो 48, uh, 56 तक डलॉजी का कार्यकाल रहा था तब रही थी पार्टीशन ऑफ बंगाल, 1905, परमानेंट सेटलमेंट आ गया था 1793 में कॉन सब्सिडी अलायस वेल लेकर आया था अराउंड 1800 समथिंग सो uh, so ये जो सबसे लास्ट में जो इंसिडेंट हुआ है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल का हुआ है ठीक है बी

नेक्स्ट स्टेटमेंट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन नाइनटीन जीरो फाइव विच ऑफ़ द स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट ठीक है तो आपको बताना कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के रेफरेंस में कौन सा सही है लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू रीअरेंज द प्रोविंशियल बाउंड्रीज यस न्यू प्रोविंस वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड कॉल्ड ईस्ट बंगाल एंड आसाम हाँ एक उसने ईस्ट बंगाल एंड आसाम करके एक प्रोविंस बना दिया था जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थी और एक वेस्ट बंगाल जो बनाया था जो हिंदू मेजारिटी प्रोविंस था उस टाइम पर तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है सो द आंसर हियर इज बोथ वन एंड टू सो देखिए ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे मैंने भी जस्ट अभी ध्यान दिया बिकॉज आई वॉज कन्फ्यूज वेन देव गिवन आंसर बी दैट टू ओनली बिकॉज ये तो सही है सो so, ध्यान दीजिएगा इसमें जो ऑप्शन बी दिया है वो बोथ वन एंड टू का दिया है और ऑप्शन सी टू ओनली का दिया है तो ये भी कन्फ्यूज करने के लिए दे दिए जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा जब भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो ब्लाइंडली नहीं लगाना है कि जो चीज़ चली आ रही है जो हमने टेस्ट सीरीज में फॉलो किया वो सब ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है वो आपको ध्यान दीजिएगा कि आप क्या टिक कर रहे हैं ठीक है बिकॉज ये मिस्टेक्स हो जाती हैं एंड दीज आर द सिली मिस्टेक्स विच वी परफॉर्म और बाद में इन पे गिल्ट रहता है सो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन डिसाइडेड टू री द प्रोविन्शियल बाउंड्रीज इन दाइनटीन जीरो फाइव एंड ही डिवाइडेड द बंगाल इन टू टू पार्ट द प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर सेपरेटिंग वेस्ट बंगाल वॉज कॉल्ड द ईस्ट बंगाल एंड आसाम द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द बंगाल इंक्लूडेड रिमेनिंग पार्ट ऑफ बंगाल इसके साथ ही साथ बिहार और उड़ीसा भी इसमें इंक्लूडेड था एंटी पार्टीशन मूवमेंट ऑफ बंगाल वॉज इनिशिएटेड ऑन एंटी पार्टीशन मूवमेंट इनिशिएट हुआ था सात अगस्त उन्नीस सौ पाँच को बीस जुलाई उन्नीस सौ पाँच उन्नीस जुलाई को उन्होंने डिकलेशन निकाला बीस जुलाई को ही ऑर्डर ही इशूड द ऑर्डर टू डिवाइड बंगाल एंड वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ पार्टी ऑफ बंगाल वो ये था कि लोगों की यूनिटी जो थी उस टाइम पर बंगाल की वो तोड़नी थी बंगाल उस टाइम पर एक नर्व सेंटर बना हुआ था वहाँ पे लोगों की यूनिटी दिख रही थी मुस्लिम हिंदूज़ की यूनिटी दिख रही थी उसको तोड़ना इसका मेन एम था एंड लॉर्ड कर्जन ने टेरिटरीज़ को डिवाइड किया इस तरीके से कि जो वेस्टर्न पार्ट था उसमें हिंदू मेजॉरिटी एरिया आ गया और जो ईस्टर्न पार्ट था उसमें मुस्लिम मेजोरिटी एरिया आ गया एंड पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनली होता है सोलह अक्टूबर उन्नीस को सात अगस्त उन्नीस को वन ऑफ द मेजर मास प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है कैलकाटा के टाउन हॉल में जिसको एंटी पार्टीशन मूवमेंट भी बोला गया द डिक्लेरेशन ऑफ पार्टीशन वॉज डन ऑन तो ये डिक्लेरेशन जो था पार्टीशन का वो किया गया अकॉर्डिंग टू दिस देखिए अभी उन्नीस बीस का ही बात है उन्नीस को uh, उन्होंने और बीस को ऑर्डर इशू कर दिए थे तो कहीं उन्नीस कहीं बीस ऐसे लिखा हुआ है तो आप देख लीजिएगा जहाँ पे जैसा ऑप्शन आता है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं सो नाइनटीन जुलाई नाइनटीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल सिक्सटी अक्टूबर नाइनटीन इज वेल नोन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीशन ऑफ बंगाल विच मूवमेंट स्टार्टेड आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल स्वदेशी मूवमेंट स्वदेशी मूवमेंट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग तो इट टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द एंटी पार्टीशन एजुटेशन जो मैंने आपको भी बोला कि एक फैक्ट से आपके दो चीज़ें सॉल्व हो रही हैं ठीक है थेके? तो आप देखिएगा कि मेजर फैक्ट आपको कुछ ही पढ़ने हैं उसी से आप घुमा फिरा के आंसर्स उसको सॉल्व कर सकते हैं वाइस राय जो उस टाइम पर था वो था लॉर्ड कर्जन सो so, बीस जुलाई को हुआ अठारह से उन्नीस तक ये वाइसराय रहा एंड इज़ वन ऑफ द आई थिंक इज़ द लॉन्गेस्ट सर्विंग और वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस रॉय ऑफ इंडिया एंड यह इफेक्ट में आया था सोलह अक्टूबर नाइनटीन जीरो फाइव को लेटर ऑन यो डिसीजन था इसको सस्पेंड किया गया डेली दरबार के टाइम पे नाइनटीन इलेवन में जब किंग जॉर्ज फाइव और उनकी वाइफ आती हैं और डेली दरबार होता है तब इसको सस्पेंड किया जाता है द गवर्नर जनरल हो पार्टिशन बेंगॉल वॉज कर्जन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अब ये पूछ रहे हैं कि बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस टाइम पे तो वो था सर एंड्रयू फ्रेज़र यस एंड्री एंड्रयू हेंडरसन लीथ फ्रेजर ये इंडियन सिविल सर्वेंट है जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे बंगाल के 1903 से उन्नीस के बीच में ही वॉज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन ट्रेमिंग द बंगाल पार्टीशन हु अमंग द फॉलोइंग लेट द एजुटेशन अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ये थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी ठीक है हु अमंग द फॉलोइंग वॉर द क्रिटिक्स ऑफ स्वदेशी मूवमेंट एंड प्लीडेड फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट तो रविन्दना टेगोर रविन्द्र टैगोर जो थे ही वॉज अ ही वॉज नॉट इन फेवर ऑफ़ द स्वदेशी मूवमेंट एंड एवरी थिंग डिमोलिशिंग एवरीथिंग ऑफ फॉरन यू नो ओरिजिन तो टैगोर जो था टेगोर जो थे उनका पॉलिटिकल एग्जिबिटेड अ मार्क्ड एम्बीवेलेंस एक तरफ तो वो यूरोपियन एम्परलिज्म को डनाउंस कर रहे थे ओकेजनली ये अपना सपोर्ट देते थे इंडियन नेशनलिस्ट को और लेकिन स्वदेशी मूवमेंट के फेवर में वो नहीं थे और ये जो था जो उनका मतलब उन्होंने एक ऐसे लिखा था 1905 में द कल्ट ऑफ चक्रा एन एल्यूजन टू एलिमेंट्स ऑफ गांधीज़म एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वहाँ पे भी ये उन्होंने उस ऐसे में भी बाद में मेंशन किया ऑल दो काफ़ी लेट आया ये बात 20 साल बाद हुई है इसके साथ ही वो ब्रिटिश कंट्रोल को एक uh, uh, मतलब एक पॉलिटिकल सिम्टम मानते थे ऑफ अ सोशल डिसीज़ कि ये जो ब्रिटिश कंट्रोल है एक सोशल डिसी वो ये एक पॉलिटिकल सिम्टम है एक सोशल डिसीज़ का जो फैलने वाली है एंड ही अर्जिंग ही अर्ज इंडियंस टू एक्सेप्ट ब्लाइंड रिवोल्यूशन बट ऑफ स्टडी एंड पर्पजफुल एडुकेशन ठीक है तो ये एडुकेशन की तरफ थोड़ा ज़्यादा प्रेरित है बाकी किसी चीज़ को खराब करना जलाना इन सब के फेवर में नहीं थे

उनके ओपिनियन में जो मैन्युफैक्चरिंग है ब्रिटिश गुड का उसको भी अबॉलिश किया जाना सही था ही कॉल्ड फॉर अ बॉयकॉट ऑफ फॉरन गुड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन बाय ब्रेकिंग ऑल कनेक्शंस पीपल शुड मोन एट्सेट्रा और उनके आइडियाज जो थे उनको सपोर्ट भी मिला बाय गैदरिंग इन बेगरहट डिस्ट्रिक्ट खुलना ऑन सिक्सटीन जुलाई नाइनटीन जीरो फाइव नेक्स्ट इज बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज अडॉप्टेड एज अ नेशनल पॉलिसी इन सो इट वॉज अडॉप्टेड इन नाइनटीन जीरो फाइव लॉर्ड कर्जन अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल ट्वेंटी जुलाई नाइनटीन जीरो फाइव एज रिजल्ट स्वदेशी मूवमेंट अनाउंस किया गया टाउन हॉल कोलकाता में सात अगस्त उन्नीस सौ पाँच को एंड बॉयकॉट प्रपोजल भी पास किया गया द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स वॉज अडोप्टिड एज नेशनल पॉलिसी इन दिस मीटिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज अडोप्टिड एज अ नेशनल पॉलिसी ठीक है याद रखिएगा सो नेशनल पॉिसी के तौर पर ब्रिटिश गुड्स का बॉयकॉट अडॉप्ट किया गया पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन मेनली फॉर तो मेनली ये क्यों किया जा रहा था क्योंकि उनको वीक करना था जो नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था बंगाल में उसको वीक करना था सो लॉर्ड कर्जन ने बोला था इट वॉज अ री एडजस्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज लेकिन आर्गूमेंट जो था जिससे कि एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो पाए बट मेन मोटिव जो था इसका वो था कि बंगाल की जो नेशनलज्म थी उसकी रूट्स को हिला देना Um, क्योंकि वो सॉलिडारिटी फॉर्म में बढ़ रही थी एट द टाइम बंगाल वॉज कंसिडर्ड द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड करजन डिसाइडेड टू ड्रोइन द न्यू स्पिरट बाई डिवाइडिंग द पोलिटिकली एडवांस टू कम्युनिटीज़ तो दो कम्युनिटीज़ पोलिटिकली एडवांस हो रही थी और जो सॉलीडेरिटी में भी काम कर रही थी दोजर हिंदूज एंड मुस्लिम्स तो इसका मेन एम ये था कि इनको डिवाइड करना द फॉइंग प्रोग्राम्स फॉर लॉन्च बाई नलिस्ट अगेंस्ट द पार्टिशन ऑफ बंगाल कौन कौन से प्रोग्राम थे बॉयकॉट स्वदेशी नॉन कॉपरेशन बाद में आएगा 1920 में नेशनल एडुकेशन तो वन टू फोर ठीक है तो स्वदेशी मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट्री था बॉयकॉट मूवमेंट के बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स द यूज ऑफ स्वदेशी और इंडिजिनस गुड्स इंक्रीज स्वदेशी वॉज नॉट ऑल टुगेदर अ नोबल आइडिया मूवमेंट ये बाकी जगह भी फैला सारी क्लासेस में फैला ग्रुप्स में फैला विमेन भी इसमें आए बच्चे आए स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स भी इसमें इंक्लूड हुए दिस मेड द ब्रिटिश टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ आर्टिटन ऑफ बंगाल द बॉयकॉट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट हेल्प इन द एटैब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी इंडस्ट्रीज तो जो इंडस्ट्रीज़ पहले रूइन हुई थी जब हमें एटीन फिफ्टी फिफ्टी सेवन के कॉजेज़ हम पढ़ते हैं जब वी ओपन दिस बुक ऑफ स्पेक्ट्रम और वहाँ पर कॉजेज उसमें एक सबसे पहला वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज होता है कि हैंडी क्राफ्ट जो थे हमारे जो हमारे देशी जो इंडस्ट्रीज थी वो कहीं ना कहीं रुईन हो रही थी जो हमारे लोकल आर्टिस्ट थे उनको उनसे उनका रोजगार छिन रहा था तो वो दोबारा से करने की कोशिश की गई टेक्सटाइल अब अब बड़े लेवल पे बन रहे थे अब टेक्सटाइल मिल्स बने हमने इंडियन बैंक्स खोले केमिकल वर्क्स आए इंश्योरेंस कंपनीज आई एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आए, आए स्वदेशी स्टोर्स को खोला गया ठीक है और नेशनल लैंग्वेज वगैरह और नेशनल एजुकेशन को प्रमोट किया गया नेक्स्ट विच मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एज अ रिएक्शन टू द पार्टीशन ऑफ बंगाल तो ये शुरू हुआ था आपका स्वदेशी मूवमेंट विद रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द रिवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिस एंड क्राफ्ट एंड इंडस्ट्रीज ट्रू द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज स्टैब्लिश एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट येस नैशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी स्टैब्लिश हुई थी बोथ सो स्वदेशी मूवमेंट कॉम्प्लीमेंट्री था बॉयकॉट मूवमेंट के विद बॉयकॉट ऑफ फॉरन गुड्स द यूज ऑफ स्वदेशी और इंडिजिनियस गुड्ड इंक्रीज स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट कॉन्ट्रीब्यूटेड अलॉट टू द रिवायवल ऑफ इंडिजीनियस आर्टिस एंड इंडस्ट्रीज के साथ साथ ही इसने की स्वदेशी इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल मिल्स, केमिकल इंश्योरेंस स्वदेशी स्टोर्स खोले गए नेशनल एनकरेज की गई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी स्टैब्लिश किया गया एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट द स्वदेशी इन बॉयकॉट मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम तो पहली बार कब हुआ एजुकेशन अगेंस्ट बंगाल सेम स्टोरी देखिए चलती आ रही है ठीक है, इमीडिएट कॉज फॉर द लॉन्च ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इमीडिएट कॉज क्या था जो लॉर्ड कर स्वदेशी मूवमेंट वॉज द आउटकम ऑफ बंगाल पार्टीशन एंड दिस कॉन्सेप्ट वॉज मेनली घोष तिलक बिपिन चंद्रपाल लाला लाजपत राय दे वॉन्टेड टू इम्प्लीमेंट स्वदेशी मूवमेंट इन होल ऑफ इंडिया बट मॉडरेट सिट्स के अगेंस्ट थे स्वदेशी को पूरे इंडिया में या स्वदेशी मूवमेंट के ही अगेंस्ट थे एक तरीके से बंगाल वॉज पार्टीशन इन नाइनटीन जीरो फाइव बट ड्यू टू अपोजिशन इट वॉज़ अगेन डिवाइडेड इन नाइनटीन देखिए दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू बी तो उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया अगेन डिवाइडेड इन हुआ क्या था उन्नीस में जब किंग और क्वीन आते हैं और दिल्ली दरबार लगता है ठीक है तो दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज होता है और उस दिल्ली दरबार में एक फैसला लिया जाता है कि हम दोबारा से बंगाल का जो पार्टीशन हुआ है उसको रीऑर्गेनाइज कर देंगे ठीक पार्टीशन का मेन फोकस क्या था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो उस टाइम पे बढ़ रही थी जो नेशनलिज्म वहाँ पे ग्रो हो रहा था उसको कर्ब करना उसको रोकना क्योंकि इनको डर था कि ये जो यूनिटी है वो इनके काम में बाधा डालेगी तो रीऑर्गेनाइज़ किया गया बंगाल के पार्टीशन को नलिफाई किया गया नल इन्वॉइड किया गया तो अगेन इन्होंने ये यूज़ क्यों किया इट वॉज़ अगेन डिवाइडेड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि जब रीऑर्गेनाइज़ हुआ तो जो आसाम वाला एरिया था उसको एक स्टेट बनाया गया बिहार और उड़ीसा को अलग बिहार और उड़ीसा भी बंगाल में इंक्लूडेड थे उनको अलग कर दिया गया वो एक बन गए बिहार और उड़ीसा एक थे वो एक बन गए और बाकी बंगाल जो था वो पूरा एक हो गया तो यूनाइटेड हुआ लेकिन हाँ कुछ चेंजेस के साथ वो यूनाइट हुआ बट चूंकि ये क्वेश्चन बिहार का है तो बिहार अलग हुआ था उस टाइम उस समय रीऑर्गेनाइजेशन के टाइम पे सो दे हैव यूज्ड दिस वर्ड डिवाइडेड सो सेरेमोनियल वेलकम होता है एट द अराइवल ऑफ किंग जॉर्ज फाइव एंड क्वीन मैरी एट द डेली दरबार इन वे वेयर दे प्रेजेंटेड एन असम्बल्ड ऑडियंस ऑफ इंडियन डिग्नेटरीज एंड प्रिंसेज तो वो सारे डिग्निट्रीज़ के सामने एज द एम्पर एंड एम्प्रेस ऑफ इंडिया के तौर पे प्रेजेंट हुए और कब हुए 12 दिसंबर 1911 की बात है ड्यूरिंग द दिल्ली दरबार ऑन दिसंबर 12 1911 किंग अबॉलिश द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड जॉर्ज डिक्लेयर द ट्रांसफर ऑफ इंडियन कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू डेली एज डिक्लेयर बेंगॉल वॉज री एज द न्यू प्रोविंस उड़ीसा और बिहार को सेपरेट किया गया बंगाल से ठीक है तो बंगाल रीऑर्गनाइज हो गया एक नए प्रोविंस की तरह उड़ीसा बिहार उसमें से अलग किए गए आसाम को भी एक नया स्टेट बनाया गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑफ आसाम भी इसके साथ कंबाइन किया गया नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन वॉज कैंसल्ड सो इट वॉज कैंसल्ड इन नाइनटीन इलेवन वैन वॉज बंगाल रीयूनाइटेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन लास्टेड अंटिल द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वैन इंडियन ट्रूप्स नई किंग जॉर्ज वाइफ एब्रोगेटेड द Curzon's Act ऑफ रॉयल दरबार इन डेली इन नाइनटीन इलेवन सही है ये गांधी ये तो बाद में हुआ पार्टिशन ऑफ इंडिया ये भी बाद में हुआ हु वॉज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट देखिए कितना आसान हो जाता है अभी क्या है ना कि हम पूरा चैप्टर उसी पे पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और आसान लगता है बट अगर आपको कुछ फैक्ट्स याद हैं तो देखिए कितना आसान हो जाता है दिस क्वेश्चन केम इन यू पी एस सी एंड अगर आपको पता है कि कब हुआ तो एलिमिनेशन दो सेकेंड का काम है ठीक है तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो बात की बात है उन्नीस सौ उन्नीस में खत्म हुआ था चौदह से शुरू हुआ था ठीक गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस उन्नीस सौ तीस में लॉन्च किया था ये नाइनटीन फोर्टी सेवन की बात हो रही है तो वैसे ही एलिमिनेट हो रहा है दो सेकेंड भी नहीं लग रहा है हु वॉज द लीडर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट इन मद्रास मद्रास में कौन थे चिदम्बरम पिल्लई जी तो स्वदेशी मूवमेंट जो शुरू हुआ वो तो एंटी पार्टीशन मूवमेंट के तौर पर शुरू हुआ या उसके अगेंस्ट uh, में शुरू हुआ बट ये और भी जगह फैला क्योंकि स्वदेशी अपनाना तो सिर्फ पार्टीशन का ही एक वो आ, रोल नहीं हो सकता है स्वदेश जो गुड्स हैं आपके ब्रिटिश गुड्स हैं वो तो पूरे देश में ही चल रहे थे ना तो इस मूवमेंट से एक ये आ, बहुत बड़ी चीज़ हुई कि मूवमेंट तो हुआ ऑफ बंगाल की वजह से लेकिन इसने हवा इसको मिली सारे देश में तो सारे देश में ये बॉयकॉट शुरू हुआ अबाउट द फॉरन गुड्स सो so, मद्रास में हम देख रहे हैं कि चिदम्बरम पिल्ले जी थे उसके अलावा आप देखेंगे अलग अलग जगह पे लोग थे तो ये हिस्ट्री तो दे हम देख ही चुके हैं कि सात अगस्त को ये प्रोक्लेमेशन हुआ इसका और कृष्ण कुमार मित्रा जी ने इसको सजेस्ट किया था सबसे पहला जो सजेशन दिया था ये भी हमने देख लिया अब लोकमान्य तिलक ने इसको लीड किया आ, मुंबई और पुणे में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और यूपी में सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास में हो अमंग द फॉलोइंग लेट द स्वदेशी मूवमेंट एट डेली तो सैयद हैदर रजा सी सॉरी विच ऑफ़ द फॉलोइंग क्लासेज वॉज मेनली अनफेक्टेड ऑफ स्वदेशी मूवमेंट ऑफ नाइनटीन जीरो फाइव अनअफेक्टेड कौन सी रही देखिए वीमेन रहे इंटलेक्चुअल्स भी थे दोनों ही इसमें आ गए थे इस बार फार्मर्स नहीं थे फार्मर्स नहीं आए थे दे डे मेन अनफेक्टेड मुस्लिम्स में बहुत ही पर्टिकुलरली कुछ ही मुस्लिम्स इसके साथ रहे बाकी लोग अलग हुए इससे बाकी मुस्लिम्स इसमें नहीं थे ठीक है तो Uh, देख लेते हैं इसमें इन दिस मूवमेंट विमेन एक्टिवली पार्टिसिपेटेड बाय बट फार्मर्स एंड मुस्लिम्स वर नॉट इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट दे सेपरेटेड दिसरेटेड फ्राम द मूवमेंट वंदे मातरम बिकेम द थीम सॉन्ग ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट ड्यूरिंग इट बिकेम थीम सॉन्ग ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट और पहली बार कब गाया गया था 1896 में उस टाइम पे सेकेंड मुस्लिम प्रेसिडेंट भी बने थे और किसने गाया था रबिंद्राथ ठीक है तो स्वदेशी 16 अक्टूबर 1905 को हुआ, किया गया थ्रौर थ्रौर तो जो भी दीपक बत्ती जो भी जलाते थे उस समय वो नहीं जलाए गए मॉर्निंग डेज को मनाया गया पीपल टाइड राखीज ऑन ईच अदर रिस्ट लोगों ने एक दूसरे के हाथों पर राखियां बांधी एज अ सिंबल ऑफ ब्रदरहुड तो वो ये दिखाना चाह वो इस राखी से ये शो कर रहे थे कि वी हैव हाँ दिस ब्रदरहुड कॉन्सेप्ट एंड uh, कैलकटा में बहुत सारे ऑफिसेज़ क्लोज किए गए स्ट्राइक ऑब्जर्व की गई कुछ जूट मिल्स में रेलवे वर्कशॉप्स में स्ट्रीट्स वर रेवरेटेड विद वंदे मातरम विच बिकेम द ओवरनाइट नेशनल सॉन्ग ऑफ बंगाल और बाद में थीम सॉन्ग जो था uh, नेश, इंडियन नेशनल मूवमेंट का वो भी है बना विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट मूवमेंट इन इंडिया विद द spirit ऑफ स्वदेशी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट लियाकत हुसैन लेड द मुस्लिम peasants ऑफ Barisal इन देयर एजुटेशन नहीं ये गलत है लियाकत हुसैन नहीं थे इट वॉज अंबिका चरण जी अश्विनी कुमार दत्त इट वॉज़ अश्विनी कुमार दत्त ए के दत्त जो ये मूवमेंट लीड कर रहे थे इन 1889 एटी नाइन द स्कीम ऑफ नेशनल एडुकेशन वॉज फॉर्मुलेटेड बाई सतीश चंद्र मुखर्जी ये सही है बेंगाल नेशनल कॉलेज वॉज फाउंडेड इन नाइनटीन जीरो विद ऑरबिंदो एज द प्रिंसिपल दिस शुड बी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य ये भी सही है टैगोर प्रीच द कल्ट ऑफ आत्मशक्ति द मेन प्लैंक ऑफ विच वॉज सोशल एंड इकोनॉमिक रीजनरेशन ऑफ द विज ये भी सही है ठीक है तो ये लीड हुआ था अश्विनी कुमार दत्त जी के द्वारा मुस्लिम पीजेंट्स को लीड किया था अश्विनी कुमार दत्त जी ने विच ऑफ द स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग स्वदेशी मूवमेंट नॉट करेक्ट बताना है सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स पर जॉइंड इन इट हाँ हमने देखा कि मुस्लिम्स ऑल टुगेदर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था वो अलग इन्होंने अपने आप को अलग रखा था उससे बट हाँ देवर सम स्पेसिफिक मुस्लिम्स इन्होंने ज्वाइन किया विमेंस ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया नीदर दिस मूवमेंट अफेक्टेड बंगाल फार्मर्स एंड नॉट देवर जॉइन हाँ फार्मर्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया ये भी सही है इट वॉज टू बंगाल नो वी हैव ऑलरेडी सीन इट वॉज नॉट लिमिटेड टू बंगाल ये बहुत अलग अलग पार्ट्स में यूपी पंजाब मद्रास महाराष्ट्र इन सब जगहों पे भी ये फैला था ब्रिटिश जर्नलिस्ट एच डब्ल्यू नेविंसन वॉज एसोसिएटेड विद तो ही वॉज एसोसिएटेड विद स्वदेशी मूवमेंट ये एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे एंडसन ब्रीफ वॉज टू डिस्कवर द कॉजिस ऑफ प्रेजेंट डिसकंटेंट एंड टू रिपोर्ट विदाउट प्रेजिस द ओपिनियन ऑफ लीडिंग इंडियंस एज वेल एज ऑफिशल्स सो नविनसन ट्रेवल्ड अक्रॉस इंडिया फॉर फोर मंथस और उनकी रिपोर्ट जो थी वो कैरिड बाई मैंचेस्टर गार्डन ग्लास्को हेराल्ड एंड डेली क्रॉनिकल ही री एडिटेड दीज पीसेज इन टू अ बुक द न्यू स्पिरिट इन इंडिया तो उन्होंने इसी सारी अलग अलग पीसेज को एक नई एक बुक का फॉर्म दिया जिसका नाम दिया न्यूज स्पिरिट ऑफ इंडिया और ये कब एक्टिव थे ये एक्टिव थे स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पर हु अमंग द फॉलिंग हैड फाउंडेड द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएियंएंटल आर्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएटल आर्ट एंड इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन वॉज इट इट वॉज फाउंडेड बाय अभनेन्द्र नाथ टैगोर ही वॉज अ रिनोन्ड नेशनलिस्ट ही वॉज अ रिनोन्ड पेंटर ऑल्सो और ये फर्स्ट इंडियन आर्टिस्ट थे टू गेन इंटरनेशनल रिकग्निशन ही वॉज द प्रिंसिपल आर्टिस्ट एंड फाउंडर ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएटल आर्ट उनके ग्रैंड फादर और उनके बड़े भाई गगनेंद्र नाथ टैगोर भी आर्टिस्ट थे

सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर एंड नेक्स्ट अब हम जो डील करेंगे वो हम करेंगे कांग्रेस uh, के जो सेशन्स हुए थे बनारस कैलकटा और uh, सूरत में उससे रिलेटेड कुछ इसमें क्वेश्चन होंगे सो so, इसी तरीके से वील बी डीलिंग हमने आधी से ज़्यादा बुक थ्री फोर्थ बुक हम कम्प्लीट कर चुके हैं ऑलमोस्ट एंड सून वी विल बी कम्प्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द बुक तो आप क्या करेंगे आप तब तक रिवाइज करते रहिए पढ़ते रहिए रिविजन इज़ द की इसको दिमाग में नहीं निकालना है इसको दिमाग में रखना है रिविज़न करते जाना है कोई भी चैप्टर जो आप अपने सेल्फ पे भी पढ़ रहे हो आप कहीं और से कुछ पढ़ रहे हो जैसे भी पढ़ रहे हो आपको सिर्फ रिविज़न करते जाना है सिर्फ एक बार पढ़ के छोड़ना नहीं है पढ़ के छोड़ दिया तो वो आपको एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम देगा जो वहाँ से निकल के जो पेन होगा ना कि शायद मैंने एक बार और देख लिया होता तो मेरा ये आंसर सही हो गया होता जब आप दो ऑप्शंस के बीच में परेशान हो जाते हो वो तभी होता है जब लैक ऑफ रिविज़न ज़्यादा होता है कुछ क्वेश्चन हमेशा परेशान करते हैं वो छोड़ने के लिए होते हैं वो सबके लिए होते हैं मैं हमेशा बोलती हूँ बट ये छोटी गलतियाँ जो हम सुधार सकते थे और वो हमारे लैक ऑफ रिविजन की वजह से जब नहीं सुधरती हैं तो इट क्रिएट अ गिल्ट सो प्लीज़ टेक केयर एंड जो की फैक्ट्स हैं उनको याद रखिए रिविजन करते रहिए